पापा की कहानियाँ मस्ती में खुलो। आज पापा के घर पर प्ले डेट हो रहा है सूजी शीप और एमिली एलिफेंट के साथ। जॉर्ज भी प्ले डेट कर रहा है एडमंड एलिफेंट और रिचर्ड रैबिट के साथ। शायद हमें ये प्ले डेट्स अलग अलग दिनों पर करने चाहिए थे। हेलो, हम आ गए। हम बाद में वापस आएंगे। चलो मिलकर महल बनाते हैं इन ब्लॉक्स से। पेपा और उसके दोस्तों ने रंगीन ब्लॉक्स के साथ खेलने का फैसला किया है, लेकिन जॉर्ज और उसके दोस्तों ने कुछ ज्यादा ही शोरगुल वाली चीजें करने का फैसला किया है। अरे नहीं, डायनासोर, भागो! जॉर्ज को डायनासोर बनना पसंद है। थोड़ा धीरे जॉर्ज। लगभग हो ही गया। ये लो। अरे लेकिन जॉर्ज सावधानी नहीं बरत रहा है। क्या तुम ठीक हो पेपा? हाँ, मैं ठीक हूँ। अरे बाप रे, जॉर्ज को पेपा का महल तोड़कर बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, ये तुमसे गलती से हो गया। शायद सबका साथ मिलकर खेलना ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे मुझे पता है कौन सा खेल खेलना है। सभी गेम को सेट करने में पेपा की मदद करते हैं। और जॉर्ज सभी को खास ड्रेस देता है। आखिरकार सभी खेलने के लिए तैयार है। अरे बाप रे, हमें मदद की जरूरत है। यहाँ पर क्या कोई बहादुर सिपाही है? क्या आपको मदद चाहिए श्रीमती रानी जी? चिंता मत कीजिए, हम इन्हें रोकेंगे इस जादू से। सभी को पेपा और जॉर्ज के साथ प्ले डेट करना अच्छा लगता है। शायद का लाना पड़ेगा। और सभी को एक साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। आज पेपा और जॉर्ज फन फेयर में आए हैं। हाय पापा, क्या तुम अब तक फन हाउस में जा चुकी हो? फन हाउस क्या होता है? ये एक खास तरह का फन फेयर हाउस होता है जिसमें खूब सारे मस्त और मजाकिया कमरे होते हैं। क्या मैं और जॉर्ज फन हाउस में जा सकते हैं? प्लीज प्लीज। हेलो मिस रैबिट, फन हाउस के लिए 2 टिकट प्लीज। फन हाउस में जाने के लिए मम्मी पिग को मिस रैबिट से टोकन खरीदने होंगे, लेकिन टोकन की कीमत मम्मी पिग की सोच से कहीं ज्यादा थी। शुक्रिया मम्मी पिग, इधर से जाइए। अरे वाह, ये डावा डोल पुल है। फन हाउस के बाकी हिस्सों को देखने के लिए इस पर से जाओ। पेपा पुल को काफी धीरे से और सावधानी से पार कर रही है, लेकिन जॉर्ज को तेजी से करने में मजा आ रहा है। तुम्हारा तरीका काफी बेहतर है जॉर्ज। बहुत अच्छे, अब तुम्हें फॉलो करना होगा इन तीरों को। इस तरफ जॉर्ज। ये शीशे काफी हिलते डुलते हैं। फन हाउस के शीशों में पेपा और जॉर्ज वाकई अजीब दिख रहे हैं। इस शीशे में मैं कितनी लंबी दिख रही हूँ, और इसमें तुम्हारा सिर काफी बड़ा दिख रहा है जॉर्ज। और इसमें तुम दिख रहे हो एकदम गोल गोल। और इस शीशे में मैं लग रही हूँ बिल्कुल मिस रैबिट। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हूँ मिस रैबिट। मेरे पीछे पीछे घुमावदार सुरंग तक आओ।
फन हाउस की सुरंग गोल गोल घूमती है और इसमें तेज हवा भी चल रही है। देखो, सुरंग खत्म होने के बाद हमें स्लाइड से नीचे जाना है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी जॉर्ज। पता नहीं इन्हें इतना समय क्यों लग रहा है, कहीं ये खो तो नहीं गए। तुमको कैसा लगा? फन हाउस तो काफी मजेदार था। बहुत बढ़िया, सभी को फन हाउस बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फन हाउस वाकई पेपा पिग की कहानियाँ मस्ती में रुझो। आइसक्रीम शॉप में आपका स्वागत है। आज बहुत गर्मी है इसलिए पेपा और जॉर्ज आइसक्रीम शॉप खेल रहे हैं। ये लीजिए मिस्टर डैडी पिग। ओह शुक्रिया। आप क्या लेना चाहेंगे मिसेज मम्मी पिग? मुझे चाहिए एक बनाना स्प्लिट प्लीज। अरे वाह, बनाना स्प्लिट क्या होता है ग्रैनी? ये एक तरह की मिठाई है। सबसे पहले हम एक केले को आधा काटते हैं। नाना। उसके बाद हम आइसक्रीम, चेरी और व्हिप्ड क्रीम को मिलाते हैं। जॉर्ज को आइसक्रीम डालना पसंद है। संभल के केले को कुचल मत देना। और पेपा को व्हिप्ड क्रीम डालना बहुत अच्छा लगता है। ऊपर चेरी रखना मत भूलना। ये रहा आपका बनाना स्प्लिट मिसेज मम्मी पिग। ये तो जायकेदार लग रहा है। प्लीज क्या मुझे निकर बॉकर ग्लोरी मिल सकती है? एक नौके नौरी, वो क्या होती है मैडम? ये एक तरह की आइसक्रीम संडे है। क्या आप इन्हें केवल संडे को ही खा सकते हैं? उस तरह का संडे नहीं, ये आप कभी भी खा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। हमें चाहिए आइसक्रीम, फ्रूट, मरेंग और क्रीम। पेपा और जॉर्ज ये सारी चीजें ग्लास में डाल देते हैं और अब आप टॉप को सजा सकते हैं। फिर उसे सजाया जाता है वेफर्स, रंगीन स्प्रिंकल्स और सॉस डालकर। लीजिए, हो गया मैडम। ये तो गजब का लग रहा है। अब जब सबको आइसक्रीम मिल गई है तो आप दोनों किस तरह की आइसक्रीम पसंद करेंगे? एक रेनबो जैसी। रेनबो। पेपा और जॉर्ज खूब सारी रंग बिरंगी आइसक्रीम का इस्तेमाल करते हैं। गुलाबी स्ट्रॉबेरी के लिए, ब्राउन चॉकलेट के लिए, पीला बनाना के लिए। फिर वो अपनी टॉपिंग्स लगाते हैं। चलो इन सबको मिला देते हैं। पेपा और जॉर्ज ने सारे रंग एक साथ मिला दिए हैं। हमने तो कीचड़ भरा गड्ढा बना दिया। ये रेनबो आइसक्रीम नहीं है। मुझे अफसोस है कि हमारे पास अब और आइसक्रीम नहीं बची है। हमारे पास है तो बस वेनिला। मुझे बहुत पसंद है। पेपा और जॉर्ज को खास आइसक्रीम्स बनाना अच्छा लगता है, पर वेनिला आइसक्रीम उन्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। आज पेपा और उसका प्ले ग्रुप एक जूस फैक्ट्री में है। वे सीख रहे हैं कि जूस कैसे बनाते हैं। और ये फल निचोड़ने की मशीन है। ये संतरे से सारा जूस निचोड़ लेती है। क्या मैं संतरे निचोड़ने की कोशिश कर सकती हूँ मिस रैबिट? बेशक, तुम सभी कोशिश कर सकते हो। सभी को संतरे निचोड़ने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन ये काफी मुश्किल काम है। मेरे हाथ थक चुके हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास अगली चीज जूस टॉपर है। स्ट्रॉबेरी से सारा जूस निकालने के लिए स्टॉम्पर में बड़े बड़े बूट्स होते हैं। ओह, क्या मैं पैरों से दबा सकती हूँ मिस रैबिट? हाँ, हर कोई कोशिश कर सकता है। अरे वाह! तो इन जूतों को पहनो और पैरों से दबाओ।
ये बिल्कुल कीचड़ भरे गड्ढों में कूदने जैसा है। बहुत अच्छा किया बच्चों, अब मेरे पीछे पीछे आओ। यहाँ पर जूस को डिब्बों में डाला जाता है। हमें स्वाद को डिब्बों में दी गई तस्वीर से मिलाना होगा। तो बताओ ये क्या है? ये लाल है, क्या ये स्ट्रॉबेरी है? शाबाश मैंडी, इसे भरने के लिए लाल बटन दबाओ। आप बताओ ये वाला कौन सा है? ये हरा है, इसलिए सेब है। बिल्कुल सही सूजी। और ये वाला? इसमें बहुत सारे रंग है। शाबाश पापा, तुमने बिल्कुल नए प्रकार का जूस बनाया है। ये रेनबो जूस है। सभी को लगता है कि रेनबो जूस दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ये कमरा साइका लेने के लिए है। यहाँ हम पक्का करते हैं कि सभी जूस का स्वाद हो लाजवाब। लेकिन इस चीज को मजेदार बनाने के लिए हम गेस करेंगे हर जूस का स्वाद। पेपा और उसके प्ले ग्रुप को जूस टेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। यम, ये तो संतरे का जूस है। ये सेब का जूस है। इसका स्वाद ऐसा है जैसे सारे जूसेस मिला दिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये है तुम्हारा खास रेनबो जूस। यम यम यम। पेपा को जूस के बारे में सीखना अच्छा लगता है और पेपा को उसका स्वादिष्ट रेनबो जूस बहुत अच्छा लगता है। आज पेपा और उसके दोस्त एक खास तरह के एडवेंचर पार्क में आए हैं। एडमिन करो भी, तुम कर सकते हो। ये वाकई मजेदार है। बहुत बढ़िया एडमिन। इस कमरे में बैलेंस बीम है। तुम्हें बॉल पिट में गिरे बिना इसे पार करना होगा। अगर तुम सब एक टीम की तरह काम करोगे तो बिना इस बॉल पिट में गिरे इसे पार भी कर लोगे। मैं अच्छी तरह से बैलेंस बना लेती हूँ, मेरे पीछे आओ। अब जॉर्ज, पेपा और एडमिन एलिफेंट को बैलेंस बीम पार करना होगा। लेकिन एडमिन को बैलेंस बीम थोड़ी सी मुश्किल भरी लग रही है। किनारों से होकर जाने की कोशिश करो एडमिन, हम मिलकर कर सकते हैं। सभी ने इस बैलेंस बीम को पार कर लिया है। अब उन्हें इस कमरे को झूल कर पार करना होगा। ये तो काफी पेचीदा लग रहा है। ये पार्क के झूले की जैसा ही है एमिली, इसे देखो। पेपा झूला झूलने में काफी माहिर है। हुरे, कसकर पकड़ लो जॉर्ज। अब तुम करो एडमिन। लेकिन एडमिन एलिफेंट को ये करने में थोड़ी सी घबराहट हो रही है। क्यों ना एडमिन हम साथ मिलकर एक टीम की तरह जाएं? बढ़िया आइडिया है। अरे, हमने कर दिखाया। शुक्रिया एमिली। सभी ने इस बड़े झूले को पार कर लिया है। सभी ने बढ़िया टीम वर्क किया। एक और कमरा बाकी है। ये आखिरी कमरा है, लेकिन बॉल पिट को पार करने का कोई रास्ता नहीं है। हम इतनी लंबी छलांग नहीं लगा सकते। यहाँ झूलने के लिए कुछ नहीं है। ये कमरा एक पहेली की तरह है। कोई नहीं जानता इस पहेली को कैसे सुलझाना है और पार जाना है। मैं समझ गया। लेकिन एडमिन एलिफेंट पहेलियाँ सुलझाने में माहिर है। देखा, मैं कितना बुद्धिमान हूँ। सभी ने इस एडवेंचर पार्क की चीजों को कर दिखाया है। बहुत बुद्धिमानी भरी चीज की है एडमिन। एडमिन,
और एडमंड एलिफेंट इन सभी चीजों को फिर से करने का बेसब्री से इंतजार। एक सुपर स्ट्राइक सुपर बॉलर के लिए। आज सूजी शीप एक बोलिंग पार्टी कर रही है। मैं भी सुपर स्ट्राइक लेना चाहती हूँ। मुझे पता है कैसे करना है, मैं कई बार बोलिंग कर चुकी हूँ। फिर तुम सबको बताओगे इसे कैसे करते हैं पापा? ठीक है, हमें स्कोरबोर्ड के लिए अपनी तस्वीरें लेने चाहिए। बस कैमरे के सामने आओ और कहो चीज। बढ़िया, ये है आपकी बोलिंग लेन। अब बोलिंग करने के लिए बॉल चुने, फिर उसे सीधे आगे फेंके, ऐसे। मैं भी कोशिश करने वाली हूँ, मुझे पसंद आया ये वाला। गुलाबी गेंद काफी भारी है। इसकी जगह इसे आजमाओ, ये हल्की है। अरे बाप रे, किसने अपनी बॉल घुमा दी? अरे नहीं, अब मैं कोशिश करता हूँ। पेड्रो पोनी की बॉल लेन के बगल वाले गटर में चली गई है। अरे रे, मेरी बारी। सूजी शीप, पेड्रो पोनी और जेरल जिराफ को अभी तक समझ नहीं आया कि बोलिंग कैसे करनी है। परेशान मत हो, हमें खेलने के लिए और अच्छा तरीका खोजना होगा। तुम लोग बैरियर के साथ कोशिश क्यों नहीं करते? ये खेलने का एक मजेदार तरीका है। लेकिन मैं अपनी बॉलिंग बॉल को उछालना नहीं चाहता। कोई बात नहीं, बॉल को एक सीधी लाइन में जाने के लिए तुम रैक का इस्तेमाल कर सकते हो। ये मजेदार है। पेपा और उसके दोस्त अपने तरीके से बॉलिंग करके काफी मजे ले रहे हैं। पर सूजी शीप अब भी सुपर स्ट्राइक करना चाहती है। ठीक है बच्चों, ये आपकी आखिरी बॉल है, गुड लक। इसे देखो। सूजी शीप पीछे से बॉलिंग कर रही है। एक सुपर स्ट्राइक सुपर बॉलर के लिए। सूजी शीप ने सुपर स्ट्राइक की है। सूजी शीप को बॉलिंग बहुत पसंद है, सभी को बॉलिंग बहुत पसंद है। जॉर्ज। आज जॉर्ज एडमंड एलिफेंट और रिचर्ड रैबिट के साथ रात बिता रहा है। चलो बच्चों, सोने का समय हो गया। चिंता मत करो मम्मी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि ये सब सो जाए। शुक्रिया पेपा। चलो सब लोग अपने अपने स्लीपिंग बैग में, कदम ताल के साथ। पेपा को चार्ज लेना अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया पेपा, गुड नाइट बच्चों। मजाक कर रही हूँ। आप लोग अभी सोने नहीं जा सकते, उससे पहले आपको काफी मजेदार चीजें करनी होंगी। जॉर्ज ने पहले कभी दोस्तों के साथ रात नहीं बिताई, वो काफी जोश में है। सबसे पहले हमें मिडनाइट वाली दावत करनी होगी। तुम भूत बन गए हो। मुझे भूतों की एक डरावनी कहानी पता है। जॉर्ज, रिचर्ड और एडमंड को कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है। ये डरावनी कहानी एक कीचड़ भरे गड्ढे की है जिसमें कीचड़ नहीं था। डरावनी भूतियाँ चीजें या भूत, जैसा कि हमें बताया जाता है, वो होते ही नहीं है। इनका होना वैज्ञानिक तौर पर असंभव है। एडमंड चतुर और तेज तर्रार है, वो भूतों में विश्वास नहीं करता। क्या मैं कोई कहानी सुना सकता हूँ? ठीक है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा पिग था और एक बहुत छोटा खरगोश था।
स्क्वीक, स्क्वीक, स्क्वीक। और वो हमेशा एक दूसरे का पीछा करते रहते थे। कहानी खत्म। ये बहुत अच्छी कहानी थी। ओ, मुझे एक और आती है। बहुत पहले की बात है। जॉर्ज, एडमंड और रिचर्ड फिर से भूत बन गए। शैतान जॉर्ज। ओ, तुम्हें पता है आगे क्या होता है? ये। हमें काफी देर तक जागना होगा, लगभग 100 बजे तक। रेडी? ओ, ओ? मुझे नहीं लगता कि जॉर्ज को दोस्तों के साथ रात बिताना आता है। सब कुछ कैसा चल रहा है पेपा? वो गहरी नींद में सो रहे हैं मम्मी। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है तुम्हें मिडनाइट दावत मिलनी चाहिए। अरे वाह! जॉर्ज और उसके दोस्तों को स्लीप ओवर में गेम्स खेलना अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें सोना बहुत अच्छा लगता है। लगभग कर ही लिया था। पेपा पिन्याटा को खोलने की और अंदर से चीजें निकालने की भरपूर कोशिश कर रही है, क्योंकि आज पेपा का प्ले ग्रुप एक मेक्सिकन छुट्टी के बारे में सीख रहा है, जिसका नाम है सिंको डे मायो। अरे बच्चों, क्लासरूम को थोड़ा और खुशनुमा बनाने के लिए हमें और ज्यादा सजावट करनी होगी। तो चलो पॉम पॉम फूल बनाते हैं। पॉम पॉम, मैं? मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगा। पॉम पॉम, पॉम पॉम, पॉम पॉम। बस कार्डबोर्ड की टहनी को टिश्यू पेपर की बॉल के बीच में लगा दो और हो गया। मैं ये फूल बना नहीं पा रही। मैं मदद करती हूँ। ये तो काफी मुश्किल है। ओ डियर। सभी ने बहुत सारे पॉम पॉम फूल बनाए हैं। हमने ज्यादा तो नहीं बना दिए। बिल्कुल नहीं। अब हमारा क्लासरूम है बहुत ज्यादा खुशनुमा। अगली चीज हम बनाने वाले हैं स्वादिष्ट गुआकामोल। गुआकामोल? गुआकामोल। ये मैक्सिकन ट्रीट बनती है एवोकाडो से, और हम इसे गाजर या ककड़ी या टोर्टियाज नाम की खास क्रिस्प के साथ खाते हैं। गुआकामोल। मैडम गजेल एवोकाडो छील रही है और कटोरे में थोड़ा सा नींबू का रस और नमक मिला रही है। अब हमें इनको एक साथ मसलना होगा। गुआकामोल। क्या कोई थोड़ा सा गुआकामोल चखना चाहेगा? हाँ प्लीज। स्वादिष्ट। यम्मी गुआकामोल, यम्मी गुआकामोल। बढ़िया पेपा। सिंको डी मायो का जश्न मनाने का एक और तरीका है गाना गाना। यम्मी गुआकामोल, यम्मी गुआकामोल, यम्मी गुआकामोल। और डांस करना एक खास हिस्सा है सिंको डी मायो का। पेपा ने पिन्याटा पर निशाना लगाया और खूब सारी मिठाइयाँ बरसने लगी। पेपा अपने पहले सिंको डी मायो के मजे ले रही है और उसे डांस करने में बहुत मजा। आज पेपा और जॉर्ज कुछ पुराने बक्से साफ करने में डैडी पिग की मदद कर रहे हैं। ये क्या है डैडी? ये मेरा पुराना भरोसेमंद कैमरा है पेपा। तस्वीर लेने के लिए आपको बटन दबाना पड़ता है और इससे फोटो प्रिंट हो जाती है। देखो, मैं देख पा रही हूँ। क्या मैं कर सकती हूँ प्लीज? बोलो चीज। चीज। अब पेपा कैमरे से तस्वीरें ले रही है। ये कैमरा वाकई मजेदार है। मजे करो, लेकिन फोटो पेपर ज्यादा नहीं बचे हैं, इसलिए सोच समझ कर इस्तेमाल करना।
जॉर्ज को बहुत सारी तस्वीरें लेने में मजा आता है। अरे बाप रे, लगता है फोटो पेपर तो खत्म हो गया। लेकिन मुझे तस्वीरें लेना बहुत अच्छा लगता है। क्यों ना इसकी जगह मेरे फोन के कैमरे का इस्तेमाल करें? इससे किसी भी फोटो में फिल्टर भी लगाया जा सकता है। डैडी पिक के फोन के कैमरे से जॉर्ज को नकली मूछे लगा दी गई हैं। आओ जॉर्ज, चलो और तस्वीरें लेते हैं। पेपा और जॉर्ज को तस्वीरें लेने में बहुत मजा आ रहा है। फोन के कैमरे ने मम्मी पिक पर फूलों वाला फिल्टर लगा दिया है। बोलो चीज। और ग्रैंडपा पिक को फिल्टर से बहुत अच्छी टोपी लगा दी गई है। पेपा, जॉर्ज और डैडी पिग और ज्यादा तस्वीरें लेने के लिए पार्क में आ गए हैं। हेलो मिस्टर और मिसेस चिड़िया। बोलो चीज मिस्टर बॉय। कितना मजेदार फोटो है। डैडी पिग बतखों के पास पेपा और जॉर्ज के साथ एक फोटो लेना चाहते हैं। सभी लोग चीज कहना। एक, दो, तीन, चीज। पेपा और जॉर्ज दिन भर ली गई सारी फोटोज को एक स्क्रैप बुक में चिपका रहे हैं। ये वाला देखो जॉर्ज। लेकिन कुछ फोटोज धुंधली है। ये जरूरी नहीं कि फोटोज बेहतरीन हो, जरूरी ये है कि वो बस आपको प्यारे से दिन की याद दिलाए। सभी को फोटोज लेना बहुत अच्छा लगता है और आज सभी का दिन बहुत अच्छे से गुजरा है। सोने का समय हो गया है लेकिन जॉर्ज को नींद नहीं आ रही, इसलिए पेपा और डैडी पिग को भी नींद नहीं आ रही। अब क्या होगा, हम सारी बेडटाइम स्टोरी पहले ही पढ़ चुके हैं। हमने एक किताब अभी भी नहीं पढ़ी है। मैंने इसे इमरजेंसी के लिए संभाल कर रखा था। थके हुए पिग को सुलाने में मदद करने वाली काफी लंबी और उबाऊ स्टोरी। बहुत ही लंबी और बहुत ही उबाऊ स्टोरी। क्या वो थके हुए पिग को सुलाने में मदद करेगी? हाँ, थके हुए पिग को सुलाने में मदद करने वाली काफी लंबी और उबाऊ स्टोरी। एक बार की बात है, जब थी एक हीरो, नाम था हाँ, सुपर पेपा। वो सारा दिन अपने पड़ोसियों की मदद करती रहती थी। एक दिन उसने एक विशाल कूद फांद करने वाले जीव के बारे में सुना, जिसने पूरे शहर को हिला कर रखा था। विशाल जीव कूदना बंद ही नहीं कर रहा है। मैं आपकी मदद करूंगी। सुपर पेपा को कूद फांद करने वाला मिल गया। ओह हाँ जॉर्ज, कूदने वाला डायनासोर। सुपर पेपा ने कूद फांद करने वाले डायनासोर को कूद फांद करने से रोकने की सारी कोशिश कर ली। मतलब उसे काफी शांति से पूछा। हाँ। एक्सक्यूज मी मिस्टर डायनासोर सर, एक्सक्यूज मी। उन्होंने बेड टाइम म्यूजिक चलाकर भी देख लिया। इससे उसे नींद आ जाएगी। कितना सुकून मिल रहा है। लेकिन म्यूजिक सुनकर डायनासोर में और भी जोश आ गया। सुपर पेपा ने कूद फांद करने वाले डायनासोर को गर्म पानी से नहलाने की कोशिश की और उसे आरामदायक पजामा पहनाकर भी कोशिश कर ली। यहाँ तक कि उसने तारे भी गिनने की कोशिश की। एक, दो, तीन, चार, पाँच। हमने यही सारी चीजें की, अब तो कोशिश करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। बेड टाइम स्टोरी सुनते हुए आखिरकार जॉर्ज को नींद आ ही गई। अरे वाह, मदद के लिए शुक्रिया पेपा।
स्वीट ड्रीम्स। शुक्रिया डैडी, लेकिन मैं अभी थकी नहीं हूँ, क्या आप स्टोरी पूरी कर सकते हैं? यम्मी मजेदार खाना। आज क्रूज पर पेपा और उसकी फैमिली एक खास तरह की रेस्टोरेंट में है। ये एक खास किस्म का रेस्टोरेंट है जिसे कहा जाता है बुफे। बस एक प्लेट लो और जो आप खाना चाहते हो उसे ले लो, मजे करो। अरे वाह! रेस्टोरेंट के बुफे में चुनने के लिए काफी अलग अलग तरह की खाने पीने की चीजें हैं। तुम क्या खाना पसंद करोगी पापा? स्पेगेटी मेरी पसंदीदा है। वो तो ठीक है, लेकिन हमें इतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए। हम कभी भी वापस आकर कुछ और ले सकते हैं। ओह, बढ़िया आइडिया है। और आप क्या चाहेंगे जॉर्ज? जूस। तो प्यास लगी है तुम्हें? मुझे लगता है हम संतरे का जूस निकाल सकते हैं। अब ये क्या हो रहा है? संतरे का जूस निकालने वाली मशीन बहुत तेज शोर करती है, और इसके बावजूद इसने संतरे का ज्यादा जूस भी नहीं निकाला है। जूस, हमें थोड़ा सा जूस और निकालना होगा। स्वादिष्ट, मैं इंतजार नहीं करता। तुम्हें भूख लगी थी पेपा, क्या अब मुझे थोड़ा सा और मिल सकता है? बेशक, चलो चलते हैं। अरे वाह! ग्रैंडपा पिग अभी भी जॉर्ज के लिए एक कप संतरे का जूस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अरे रे, क्या हमें और संतरे मिल सकते हैं मिस रैबिट? अभी लाई। पेपा को एक काफी खास पैनकेक मशीन मिल गई है। बस एक पैनकेक बना दीजिए मिस्टर रोबोट। मैं कभी भी वापस आकर और ले सकती हूँ। शानदार! क्रैनी पिग अपनी स्पेगेटी खाने के लिए काफी उत्साहित है। खत्म! शुक्रिया पैनकेक रोबोट। पर अब पेपा को भी प्यास लगी है। क्या मुझे भी थोड़ा सा जूस मिल सकता है ग्रैनी पिग? हाँ बेशक, ग्रैंडपा पिग जूस ला सकते हैं, लेकिन पता नहीं उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है। ग्रैंडपा पिग ने आखिरकार एक कप संतरे का जूस बना ही लिया है। असल में ग्रैंडपा पिग ने संतरे के जूस के काफी सारे कप तैयार कर लिए हैं। मशीन ने आखिरकार संतरे का जूस बनाना बंद कर दिया है। अजीब से ग्रैंडपा, आपको इतना जूस बनाने की जरूरत नहीं थी, आप कभी भी वापस आकर और ले सकते हैं। पेपा को बुफे रेस्टोरेंट काफी अच्छा लगता है, और जॉर्ज को संतरे का जूस बहुत अच्छा लगता है। आज पेपा और उसकी फैमिली आर्केड जा रही है। बहुत खूब, तुम्हें मिला है हाई स्कोर। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेपा और मैं इन सभी खेलों में माहिर हैं। इन सभी टोकन्स को देखो पेपा, यदि ऐसे बहुत सारे इकट्ठा कर लिए तो इनके बदले तुम्हें बड़ा सा इनाम मिल सकता है। बहुत खूब, एक इनाम। देखो इतने सारे टोकन्स। क्या हम उस खेल को और ज्यादा खेल सकते हैं? क्यों नहीं पेपा। मम्मी पिग पेपा को कैरेट बॉब खेलना सिखा रही है। जब भी वे पॉप अप करते हैं तो वो कैरेट को मारती है। जोर से मारो, जोर से मारो। क्या तुम दोनों करना चाहोगी? हाँ जरूर। जोर से मारो, जोर से मारो, जोर से मारो। और ज्यादा टोकन, क्या इसका मतलब है कि हम वाकई बड़ा इनाम पा सकते हैं डैडी? डैडी? डैडी पिग डांसिंग गेम खेल रहे हैं। डैडी पिग को डांस करना बहुत पसंद है। जानते हो, मैं तो
डांस में बहुत माहिर हूँ। तुम्हारी बारी पेपा। मजेदार था, लेकिन क्या कोई ऐसा खेल है जिसे हम मिलकर खेल सकते हैं? हाँ, एक खेल है। पेपा और उसकी फैमिली गुब्बारे वाला खेल खेल रहे हैं। जो पहले अपने गुब्बारे में पानी भरेगा वो जीत जाएगा। हाई स्कोर मिला? हाँ, तुम्हें इतना हाई स्कोर मिला है कि तुमने जीत लिया है जैकपॉट। अब अपने सारे टोकन्स को ट्रेड करके तुम्हें मिलेगा बड़ा सा इनाम। अरे वाह, चलो चलते हैं। हेलो अगेन पापा। यह हमारे सभी टोकन है, क्या हमें हमारा इनाम मिल सकता है? बिल्कुल, इन सारे टोकन से तुम पा सकती हो एक अनोखा, बिल्कुल खास, अलग तरह का इनाम। पेंसिल। अरे वाह, पेंसिल। पेपा को आर्केड में अपनी फैमिली के साथ ढेर सारे टोकन जीतना अच्छा लगता है, और पेपा को अपनी नई पेंसिल वाकई बहुत अच्छी लगती है। आज पेपा के भेग रूप में एक काफी खास सीख दी जा रही है। आज हम 4 जुलाई के बारे में सीख रहे हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्र दिवस क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा दिन है जब अमेरिकी अपने देश की पसंदीदा चीजों के बारे में जश्न मनाते हैं। जा रहे हैं हमारे खास मेहमान। सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मिस्टर बुल अभी अभी अमेरिका से छुट्टी मनाकर लौटे हैं, और वो वहाँ की अपनी कुछ पसंदीदा चीजों के बारे में बताने वाले हैं। चलिए अमेरिकी पार्टी से शुरुआत करते हैं, जिसे कहते हैं कुकआउट। हम सब मिलकर मेरे नए बारबेक्यू में खाना बना सकते हैं। मैं बनूंगा ग्रिल मास्टर। मिस्टर बुल का बाबकी बहुत बड़ा है। ओह, धन्यवाद मिस्टर बुल, लेकिन हमारा बारबेक्यू बाद में इस्तेमाल होगा, और वो भी बाहर। ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे ड्रेस अप। पेपा और उसके दोस्त अमेरिकी झंडों के रंगों का ड्रेस अप कर रहे हैं, लाल, सफेद और नीला। ग्रिल मास्टर और उसका बारबेक्यू दोनों ही तैयार है। समय हो गया क्या? नहीं मिस्टर बुल, सबसे पहले हमें सजावट करनी होगी। ओह, बेशक, मैं ग्रिल पर वापस जाता हूँ। उसके बाद सभी लाल, सफेद और नीले रंग की सजावटी चीजें लटका रहे हैं। अब पेपा और उसके दोस्त एक अमेरिकी झंडा बना रहे हैं। अमेरिका के झंडे में कितने स्टार्स होते हैं? बहुत बहुत सारे। ओहो, ये तो बहुत बहुत सारे स्टार्स हैं बच्चों। अमेरिकी झंडे में होते हैं 50 स्टार्स, हर राज्य के लिए एक स्टार। क्या अब बारबेक्यू का समय हो गया? हाँ, समय हो गया है। मिस्टर बुल अपने बारबेक्यू का इस्तेमाल करने के लिए बहुत उत्साहित है। उम्मीद है आप असली अमेरिकी बारबेक्यू के लिए तैयार हैं। लेकिन बारबेक्यू में सारा खाना जल गया है। अब हम क्या खाएंगे? चिंता मत करो, मैं सिर्फ एक ग्रिल मास्टर नहीं हूँ, बल्कि मैं हूँ एक जायकेदार ऑल अमेरिकन एप्पल पाई मास्टर भी। मुझे एप्पल पाई बहुत पसंद है। ये एकदम अमेरिकन भोजन है, खास तौर पर पटाखों के साथ। सभी को जलते पटाखे और एप्पल पाई बहुत पसंद आते हैं, खास तौर पर स्वतंत्रता दिवस पर। मैडम गिजेल, क्या ज्वालामुखी असली है? वो असली है। लेकिन परेशान मत हो बच्चों, यहाँ आसपास कोई ज्वालामुखी नहीं है। अरे वाह! सिर्फ ये झूठी मूठी वाले छोड़कर, जो कि हम खास विज्ञान का प्रयोग करके बनाएंगे।
हम अपने ज्वालामुखी को गोंद और अखबार से बनाएंगे। ऐसे पहले सब लोग कागज को गोंद में डुबाओ और फिर उसे बीकर पर चिपका दो। लो बन गया एक ज्वालामुखी। सभी अपने ज्वालामुखी को बनाने का आनंद ले रहे हैं। गोंद बहुत चिपचिपा और गंदा है और जल्द ही उन सब ने बना लिया है। खूब बच्चों, अब इन्हें पेंट करने का समय आ गया है। मैं चलो अपने वाले को लाल बनाते हैं पापा। हम नीला बना सकते हैं। हरा, एक बड़े पेड़ जैसा। असली ज्वालामुखी गहरे और भूरे रंग के होते हैं, जिसमें लाल लावा होता है। लेकिन पेपा और उसके दोस्त अपने छोटे छोटे ज्वालामुखी को चमकदार और रंगीन बना रहे हैं। अब समय है विज्ञान के प्रयोग का। लेकिन सबसे पहले सभी को खास दस्ताने, चश्मा और कोट पहनना चाहिए ताकि वे सुरक्षित रहे। तुम सब लोग गजब के वैज्ञानिक लग रहे हो बच्चों। अब हम बनाने वाले हैं लावा। लेकिन चिंता ना करो, हम जो लावा बनाएंगे वो झूठ मूठ का है और सुरक्षित है। पहले हम ज्वालामुखी में थोड़ा सिरका मिलाएंगे। संभाल के ये छलके ना। बढ़िया। और अब एक सीक्रेट जादुई सामग्री मैं तुम सभी के ज्वालामुखी में डालूंगी। किसी को नहीं पता कि ये विशेष जादुई सामग्री आखिर है क्या। और अब अपने कप से बेकिंग सोडा लो और अपने अपने ज्वालामुखी में डाल दो। फिर पीछे हट जाओ। मैडम गजेल का ज्वालामुखी फूट रहा है बिल्कुल असली ज्वालामुखी की तरह। तुम्हारी बारी बच्चों। वाह, लावा लाल रंग का है। हमारा वाला नीला है। कैंडी कैट और जेरल जिराफ का लावा हरा है और काफी झागदार है। काफी ज्यादा लावा बना दिया है। नहीं कैंडी, तुमने कीचड़ वाला गड्ढा बनाया है। सभी को ज्वालामुखी बनाना अच्छा लगता है, लेकिन सभी को वाकई रंगीन मैला पोखर बनाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया लग रहे हैं ना पापा? डैडी, हम जॉर्ज के लिए जूते ले रहे हैं, आपके लिए नहीं। आज जॉर्ज कुछ नए जूते ले रहा है। हेलो मिस रैबिट, हमें जॉर्ज के लिए कुछ नए जूते लेने हैं। जॉर्ज के जूते काफी पुराने हैं। आप लकी हो, यहाँ काफी सारे जूते हैं। हम जॉर्ज के लिए सही जूते ढूंढ लेंगे। पहले हम तुम्हारे पैरों का नाप लेंगे। इस नाप लेने वाली मशीन में अपना पैर डालो प्लीज। मिस रैबिट जॉर्ज के पैरों का नाप ले रही है ताकि वो उसे सही आकार के जूते ढूंढ कर दे सके। तुम्हारे पैर बहुत छोटे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जॉर्ज एक बच्चा है। नो। जॉर्ज कोई बच्चा नहीं है। मेरे पीछे आओ। ओ। हम अपने सारे छोटी साइज वाले जूते यहाँ रखते हैं। तुम्हें कौन से जूते अच्छे लग रहे हैं जॉर्ज? जूते। वो है बोलिंग शूज। जॉर्ज को बोलिंग करना अच्छा लगता है और उसे बोलिंग शूज बहुत पसंद है। क्या तुम्हें वाकई में ये जूते चाहिए जॉर्ज? जूते, जूते। ये टैप डांसिंग वाले जूते हैं। ये बहुत शोर कर रहे हैं। क्या कहा? जॉर्ज को खूब सारा शोर मचाना अच्छा लगता है। शायद ज्यादा ही शोर वाले। जूते। ये जोकर वाले जूते हैं। जॉर्ज को जोकर वाले जूते बहुत पसंद हैं। ये काफी बड़े हैं, पर जॉर्ज काफी छोटा है। जूते, जूते। जॉर्ज बहुत सारे जूते ट्राई करता है। लंबे जूते, छोटे जूते, यहाँ तक कि अजीब से जूते भी, लेकिन उनमें से कोई भी सही नहीं लगता। जूते।
है जॉर्ज, ये जूते नहीं है। जूते? ये बिल्कुल तुम्हारे पुराने जूते जैसे हैं। जूते? जॉर्ज को ऐसे जूते पसंद आए जो बिल्कुल उसके पुराने जूतों जैसे हैं। बहुत अच्छे, हम ये वाले लेंगे मिस रैबिट। मिस रैबिट, मैं यहाँ अंदर हूँ। जॉर्ज को अपने नए जूते बहुत पसंद है और उसे जूतों की दुकान भी बहुत पसंद है। सभी को जूतों की दुकान बहुत पसंद है। और ऐसे खेलते हैं शफल बोर्ड। मेरा पग बॉटम पर था इसीलिए मुझे एक पॉइंट मिलता है। आज क्रूज पर पेपा और उसकी फैमिली शफल बोर्ड खेलना सीख रहे हैं। अब ग्रैंडपा पिग या तो मेरे पग को नॉक करके हटा सकते हैं या अपना पग ट्रायंगल में स्लाइड करके पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। चलो इसे आजमाते हैं। ग्रैंडपा पिग ने ग्रैनी पिग के पग को जॉर्ज की रेत में नॉक कर दिया है। मुझे मिले हैं 2 पॉइंट्स। क्या मैं इस बार कोशिश करूं? हाँ, इस स्टिक से पग को ट्रायंगल की तरफ पुश करो। ये तो ज्यादा नहीं घूमा। तुम दौड़कर शुरुआत करने की कोशिश क्यों नहीं करती? बढ़िया आइडिया है। पेपा दूर से दौड़ते हुए आ रही है लेकिन रेत में बहुत फिसलन है। मुझे कोई पॉइंट नहीं मिला। कोई बात नहीं, ये मजे करने के लिए है, पॉइंट्स के बारे में मत सोचो। वैसे भी पहली बार में किसी को भी महारत हासिल नहीं होती। शाबाश जॉर्ज। मुझे बस कोशिश नहीं छोड़नी है। पेपा पग को स्लाइड करने के लिए अलग अलग तरीके आजमा रही है। मेरी आइसक्रीम। लेकिन किसी भी चीज से बात नहीं बन रही है। चलो शुक्र है, मेरी आइसक्रीम कौन तो बच गई इस बार। अरे बाप रे, मेरी बारी पेपा। ठीक है, ये लो ग्रैनी। ग्रैनी के पग ने पेपा के पग को ट्रायंगल में पुश कर दिया है। मुझे 3 पॉइंट्स मिले। अरे वाह! पेपा प्रैक्टिस करने के लिए काफी उत्साहित हो रही है लेकिन खेलने के लिए कोई पग नहीं बचा है। जॉर्ज ने सारे पग से अपने रेत का किला बना लिया है। सभी को शफल बोर्ड खेलना बहुत अच्छा लगता है लेकिन जॉर्ज को रेत के किले बनाना और भी अच्छा लगता है। आज पेपा और उसका परिवार एक एयर शो में खूब सारी चीजें करने वाला है। मिस रैबिट हॉट एयर बलून उड़ा रही है। आसमान हॉट एयर बलून से भरा हुआ है। ये कितने सारे बलून हैं? एक बादल, एक ब्रोकली, एक जोकर, एक डायनासोर। बहुत बढ़िया जॉर्ज। वो क्या है? वो एक बाइप्लेन है पेपा। ये कर क्या रहा है? कुछ प्लेन आसमान में मैसेज लिख सकते हैं या चित्र भी बना सकते हैं। बाइप्लेन ने आसमान में पेपा की तस्वीर बनाई है। ये मैं हूँ। सभी को मेरा हेलो। हेलो। आकाश में तस्वीर बनाने के लिए शुक्रिया। स्वागत है आप लोगों का। लो मैं चली। ये क्या है? क्या ये दूसरा हॉट एयर बलून है? ये वायुयान है। ये गुब्बारे की तरह तैरता है। इसके छोटे छोटे प्रोपेलर प्लेन की तरह उड़ने में इसकी मदद करते हैं। पेपा और जॉर्ज को वायुयान बहुत रोमांचक लगता है। क्या आप सभी सवारी करना चाहेंगे? वायुयान। वायुयान आसमान में उड़ने वाला है। हम बहुत ऊपर हैं। ये कैप्टन की तरफ से घोषणा है। आकाश में आप देखेंगे चिड़िया। हेलो चिड़िया।
बादल। हेलो बादल। ओह डॉक्टर हैमस्टर। हेलो यूरसेल। ओह इतने सारे बटन। ओह हाँ, इस तरह के वायुयान को चलाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज कोई भी बटन नहीं दबाइएगा। ये स्टीयरिंग व्हील वायुयान को अलग अलग दिशाओं में ले जाने में मदद करता है, ऊपर नीचे और अगल बगल। और हम रेडियो से पूरे एयर शो में घोषणाएं कर पाते हैं। ओह क्या मैं घोषणा कर सकती हूँ? मुझे एक बहुत ही जरूरी बात की घोषणा करनी है। बेशक। हेलो मैं हूँ पेपा पिग। मैं वायुयानी हूँ जो थोड़ा थोड़ा गुब्बारे जैसा है, लेकिन एक हवाई जहाज भी है। मुझे आशा है कि आप सभी का समय एयर शो में अच्छा बीता होगा। अरे रे, हम तो एक बहुत ही जरूरी बात भूल ही गए। ये पायलट है पेपा और जॉर्ज के लिए। मैं हूँ पायलट पेपा। पायलट पेपा को एयर शो बहुत अच्छा लगता है। सभी को एयर शो बहुत अच्छा लगता है। आज पेपा और जॉर्ज ग्रैनी और ग्रैंडपा पिग के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं। लगभग हो गया। पेपा पहली बार पिकनिक के पैकिंग की जिम्मेदारी संभाल रही है। क्या तुम ठीक हो पेपा? ये सारे खिलौने पिकनिक के लिए ले जाने हैं, लेकिन वो इसमें नहीं आ रहे। क्या तुम्हें अपने सारे खिलौने चाहिए? समझ गई, मैं इनकी जगह बस टेडी को ले जाती हूँ। और डायनासोर। शानदार। अगर हम तुम्हारे सारे खिलौने ले जाएंगे तो हमारे पास खाने के लिए जगह नहीं बचेगी। पिकनिक के लिए तुम कैसा खाना बनाना पसंद करोगी पेपा? ओह चलो स्पगेटी बनाते हैं। मुझे स्पगेटी पसंद है। पिकनिक के लिए स्पगेटी उतना भी अच्छा खाना नहीं है। सैंडविच कैसा रहेगा? मुझे भी सैंडविच बहुत पसंद है। तुम्हें किस तरह का सैंडविच पसंद है? पेपा जॉर्ज और ग्रैनी पिग जैम सैंडविचेस बना रही है। क्या हमें पिकनिक के लिए कुछ और चाहिए पेपा? हमें पिकनिक के लिए आरामदायक कंबल चाहिए। क्या आप ला सकते हैं ग्रैंडपा? अभी लाया पेपा। अरे यार जैम सैंडविचेस बनाने में काफी उथल पुथल मच जाती है, और उथल पुथल को साफ करने में और भी उथल पुथल मच गई है। कोई बात नहीं, अगर जैम ना गिरे तो जैम सैंडविच कैसे बनेगा? पेपा की सैंडविचेस तिकोन है, हो गया। और जॉर्ज की डायनासोर है। कंबल रख लिया। क्या हमें कुछ और चाहिए पेपा? हमें अपने ऑरेंज जूस के लिए कप्स चाहिए। शाबाश पेपा, लगता है हम जाने के लिए तैयार हैं। इसमें बहुत मजा आने वाला है। अरे यार बारिश हो रही है। बारिश में पिकनिक उतनी मजेदार नहीं लगती। लगता है हमें आउटडोर पिकनिक के लिए इंतजार करना होगा पेपा। लेकिन क्यों ना हम इसकी जगह इंडोर पिकनिक मनाएं? पेपा ने तय किया कि वो अपने घर में पिकनिक मनाएगी। अब हम कभी भी पिकनिक मना सकते हैं, चाहे बारिश हो रही हो तभी भी। और मैं अपने सारे खिलौने ला सकती हूँ। पिकनिक। सभी को पेपा की पिकनिक बहुत अच्छी लगती है, और पेपा को उनके लिए पैकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। सभी को मेरा हेलो, मैं पेपा द डेंटिस्ट हूँ। मैं आपके दांतों की देखभाल करने में आपकी मदद करूंगी। आज मिस रैबिट पेपा के प्ले ग्रुप में दांतों के बारे में सिखाने आई है। पेपा डेंटिस्ट होने का नाटक कर रही है। पकड़ लिया। ओह शुक्रिया पेपा। अच्छा अब जो तुम्हें अपने दांत मिल गए हैं, किसे किसे पता है कि हम उनकी देखभाल के लिए क्या कर सकते हैं? डेंटिस्ट के पास जाते हैं। सही बात है। डेंटिस्ट के पास पहले कौन गया है? मैं। चेरिल जिराफ डेंटिस्ट के पास पहले कभी नहीं गया है।
मिस रैबिट, क्या मैं जनरल को दिखा सकती हूँ कि डेंटिस्ट के पास जाना कैसा लगता है? मैं बहुत बार गई हूँ। बहुत ही बढ़िया आइडिया है। पेपा नाटक कर रही है कि वो डेंटिस्ट है और जेरल मरीज है। हेलो मिस्टर जेरल, कृपया इस बड़े से कुर्सी पर बैठ जाओ। शुक्रिया श्रीमती डेंटिस्ट। ये रहा आपका एप्रिन। मुझे चश्मा क्यों पहनना पड़ेगा श्रीमती पेपा? इस जोरदार रोशनी की वजह से। ऐसे बड़ा सा मुंह खोलो ताकि मैं तुम्हारे दांत देख पाऊँ। पेपा टॉर्च से जेरल्ड के दांत देख रही है। मिस्टर जेरल्ड, आपके दांत बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपको एक स्टिकर मिलता है। शुक्रिया। अरे वाह, बहुत खूब पेपा और जेरल्ड। क्या किसी को पता है घर पर अपने दांतों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? हम अपने दांत ब्रश कर सकते हैं। सही बात है सूजी, ब्रश करने से दांत साफ रहते हैं। क्या हम दांतों को ब्रश करने की प्रैक्टिस करें? हाँ। मिस रैबिट सभी को टूथब्रश दे रही है ताकि वे अपने दांतों पर ब्रश करने की प्रैक्टिस कर सके। सबसे पहले हम ब्रश को गीला करते हैं, फिर हम थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाते हैं। सभी अपने टूथब्रश पर थोड़ा थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाते हैं, लेकिन कैंडी ने तो ढेर सारा ले लिया है। अब हम क्या करें क्लास? हम ब्रश करते हैं। सामने वाले दांतों पर ब्रश करो और किनारों पर भी, ऊपर और नीचे भी। बहुत अच्छा बच्चों। अरे वाह। सभी ने आज बहुत अच्छा काम किया, इसलिए सभी को मिलते हैं स्टिकर्स। पेपा को डेंटिस्ट का नाटक करना अच्छा लगता है और पेपा को स्टिकर बहुत अच्छे लगते हैं। आज पेपा और उसकी फैमिली मैडम गजेल के बैंड द रॉकिंग गजेल्स के एक संगीत कार्यक्रम में आई हुई है। मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। हुरे, शुक्रिया। अरे बाप रे, जेरल जिराफ भी अपने डैडी के कंधों पर बैठा है और बाकी लोग इस वजह से देख नहीं पा रहे हैं। हाय पेपा। हाय जॉर्ज। जेरल्ड और उसके पिता किनारे चले गए हैं, इसीलिए अब सभी देख पा रहे हैं। चलो 1 and 2 and 1 2 3 4। सभी लोगों को बहुत मजा आ रहा है। पेपा और डैडी पिग वाकई संगीत के मजे ले रहे हैं। मजा आ रहा है ना पेपा? हाँ, क्या तुम्हें मजा आ रहा है जॉर्ज? पेपा और डैडी पिग गलती से भीड़ भाड़ के बीचों बीच पहुंच गए हैं। हम जल्द ही आकर आपको ढूंढ लेंगे मम्मी पिग। मैंने कहा हम आपको ढूंढ लेंगे। अरे इतनी भीड़ में कहां घूम लेंगे? मजे करो जॉर्ज। सभी डांस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नाचते हुए लोगों से भरे स्विमिंग पूल में खड़े हो। यहाँ कुछ हवादार बीच बॉल्स भी है। पकड़ लिया। बहुत बढ़िया पेपा। शुक्रिया शुक्रिया। माफ कीजिए मिस्टर बॉल, माफ कीजिए मैडम गजेल। कोई बात नहीं, ऐसा सब तो होते रहता है। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है पॉप म्यूजिक। दरअसल इससे तो मुझे अपने अगले गाने की याद आ गई। 1 2 3 4। पॉप 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 पे बुलबुले, पॉप पे बुलबुले करेंगे, पॉप 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 पे बुलबुले सारे दिन पॉप करेंगे, पॉप 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 पे बुलबुले, पॉप पे बुलबुले पॉप करेंगे। मम्मी और जॉर्ज पिग भी नाचते नाचते भीड़ भड़के के आगे आ गए हैं। मैडम गजेल ने पेपा और उसकी फैमिली को उनके
साथ स्टेज पर गाने के लिए बुला लिया है। सभी को मैडम गजेल का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और सभी को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है पॉप पॉप पॉपिंग बुलबुले। आज पेपा और उसका परिवार एक एयर शो में खूब सारी चीजें करने वाला है। मिस रैबिट हॉट एयर बलून उड़ा रही है। आसमान हॉट एयर बलून से भरा हुआ है। ये कितने सारे बलून हैं? एक बादल, एक ब्रोकली, एक जोकर, एक डायनासोर। बहुत बढ़िया जॉर्ज। वो क्या है? वो एक बाइप्लेन है पापा। ये कर क्या रहा है? कुछ प्लेन आसमान में मैसेज लिख सकते हैं या चित्र भी बना सकते हैं। बाइप्लेन ने आसमान में पापा की तस्वीर बनाई है। ये मैं हूँ। सभी को मेरा हेलो। हेलो। आकाश में तस्वीर बनाने के लिए शुक्रिया। स्वागत है आप लोगों का। लो मैं चली। ये क्या है? क्या ये दूसरा हॉट एयर बलून है? ये वायुयान है। ये गुब्बारे की तरह तैरता है। इसके छोटे छोटे प्रोपेलर प्लेन की तरह उड़ने में इसकी मदद करते हैं। पेपा और जॉर्ज को वायुयान बहुत रोमांचक लगता है। क्या आप सभी सवारी करना चाहेंगे? वायुयान। वायुयान आसमान में उड़ने वाला है। हम बहुत ऊपर हैं। ये कैप्टन की तरफ से घोषणा है। आकाश में आप देखेंगे चिड़िया। हेलो चिड़िया। बादल। हेलो बादल। ओह, और डॉक्टर हैमस्टर। हेलो फिर से। ओह, इतने सारे बटन। ओह हाँ, इस तरह के वायुयान को चलाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज कोई भी बटन नहीं दबाइएगा। ये स्टीयरिंग व्हील वायुयान को अलग अलग दिशाओं में ले जाने में मदद करता है। ऊपर नीचे और अगल बगल। और हम रेडियो से पूरे एयर शो में घोषणाएं कर पाते हैं। ओह, क्या मैं घोषणा कर सकती हूँ? मुझे एक बहुत ही जरूरी बात की घोषणा करनी है। बेशक। हेलो, मैं हूँ पेपा पिग। मैं वायुयान हूँ जो थोड़ा थोड़ा गुब्बारे जैसा है, लेकिन एक हवाई जहाज भी है। मुझे आशा है कि आप सभी का समय एयर शो में अच्छा बीता होगा। अरे रे, हम तो एक बहुत ही जरूरी बात भूल ही गए। ये पायलट है पेपा और जॉर्ज के लिए। मैं हूँ पायलट पेपा। पायलट पेपा को एयर शो बहुत अच्छा लगता है। सभी को एयर शो बहुत अच्छा लगता है। आज पेपा और उसकी फैमिली लंदन आए हैं देखने सुपर पोटैटो द म्यूजिकल। अरे बाप रे, हमें जल्दी चलना चाहिए वरना हम शो की शुरुआत मिस कर देंगे। ओहो, हम सब भीग जाएंगे। परेशान मत हो, हम चलने के बजाय अंडरग्राउंड ट्रेन ले सकते हैं। अंडरग्राउंड ट्रेन जमीन के नीचे चलती है। जमीन के नीचे बारिश नहीं होती। यहाँ पर रंगीन मैप दिया गया है जिसे पता चलता है कि सभी ट्रेन्स कहाँ जाती है। ये स्पगेटी जैसा लगता है। तो हम अभी यहाँ है और हमें जाना है यहाँ। हम पहले नीली ट्रेन ले सकते हैं और उसके बाद लाल ट्रेन लेते हैं। हाँ, बहुत खूब पेपा। चलो चले। सबसे पहले पेपा को टिकट बैरियर से अपना टिकट चेक करवाना होगा। शुक्रिया टिकट रोबोट, मैं फंस गई हूँ। वही रुको पेपा, मैं तुम्हें निकालती हूँ। शुक्रिया मिस रैबिट। इस तरफ पेपा, सभी नीली लाइन को फॉलो करो। मैं भी अटक गया हूँ। ट्रेन एक बहुत ही अंधेरी सुरंग से प्लेटफॉर्म पर आ रही है। ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ है। सभी जल्दी में क्यों है? ये सब जल्दी में है। अंडरग्राउंड ट्रेन में सभी लोग जल्दी में ही रहते हैं।
चलो चलते हैं, संभल कर कदम रखना। सभी को हेलो, लू ट्रेन में आपका स्वागत है, दरवाजे पे ध्यान दें। रुको पेपा, अंडरग्राउंड ट्रेन काफी हिलती डुलती है। आप आपके बाईं ओर अंडरग्राउंड देखेंगे और आपके दाईं ओर आप और भी ज्यादा अंडरग्राउंड देखेंगे। लाल ट्रेन के लिए आप यहाँ उतरे। लाल ट्रेन आ गए हम। अपना कदम आगे रखो जॉर्ज। सभी कसकर पकड़ो। हम यहाँ है। शो तो कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगा, शायद हम शुरुआत मिस कर देंगे। बिल्कुल नहीं, मेरे पीछे आओ, मैं आपको सुपर पोटैटो द म्यूजिकल के लिए टाइम पे पहुंचाऊंगा, वरना मेरा नाम नहीं बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा है, बड़े स्टार के लिए रास्ता बनाओ। थैंक यू, आज किसी को ऑटोग्राफ नहीं दे पाऊंगा। सुपर पोटैटो भी जल्दी में है, अंडरग्राउंड ट्रेन में सभी लोग जल्दी में है। आज पेपा और उसका परिवार सुपरमार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। गुड बाय सुपरमार्केट। क्या वो रोबोट है? नहीं पेपा, ये एक वेंडिंग मशीन है। हमें खाने पीने की चीजें लेने के लिए इसके अंदर पैसे डालने पड़ते हैं। क्या हम रोबोट से कुछ खरीद सकते हैं प्लीज? ठीक है, हम सब चुन सकते हैं एक एक खास ट्रीट। पेपा रोबोट वाली वेंडिंग मशीन से कुछ खरीदने के लिए काफी उत्साहित है। ये लो पेपा। गुड बाय सिक्के। अब उस चीज का बटन दबाओ जो तुम्हें पसंद हो। मैं पसंद करूंगी संतरे का जूस। ये रहा। अरे वाह, स्वादिष्ट। डायनासोर। जॉर्ज को डायनासोर की बनावट वाला बिस्किट मिला है। अब तुम्हारी बारी जॉर्ज। अब तुम वो बटन दबाओ जिस पर है डायनासोर। डायनासोर। मुझे लगता है मैं लूंगा वो वाली ड्रिंक। अरे ये तो फंस गया। डैडी पिग का ड्रिंक सैंडविच के पीछे फंस गया। सैंडविच बीच में आ गया, नटखट सैंडविच। हमें अब सैंडविच भी खरीदना होगा ताकि ड्रिंक भी इसके साथ नीचे गिर जाए। ये फिर से फंस गया। शरारती अनानास। चलो वो भी खरीद लेते हैं। देखो फिर से फंस गया, फिर से। आखिरकार ऊपर से गिरता हुआ ड्रिंक नीचे आ ही गया। अब मैं इसे आखिरकार पी सकता हूँ। ओहो, मेरा ड्रिंक तो एकदम फिजी हो गया। बेचारे डैडी। आप वेंडिंग मशीन से कुछ और क्यों नहीं चुनते? बढ़िया आइडिया है। ओह, वेंडिंग मशीन तो खाली हो गया है। इसलिए क्योंकि हमने सारी चीजें खरीद ली है। पेपा अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेल रही है। मुझे स्नैप खेलना पसंद है, मैं इसमें जीतती रहती हूँ। मुझे स्नैप बिल्कुल पसंद नहीं। पेपा को गेम जीतना पसंद है। स्नैप, मुझे पता है, चलो इसकी जगह हम सांप सीढ़ी खेलते हैं। सांप सीढ़ी। लेकिन मैं जीत रही थी।
एक आ? दो तीन चार। मैं जीतने वाला हूँ। दो जगह। अब मुझे एक सीढ़ी चढ़नी है। मैं फिनिश लाइन के एकदम पास हूँ। अब तुम्हारी बारी है रेबेका। अरे बाप रे, अगर रेबेका सांप से नीचे आ गई तो वो नहीं जीत पाएगी। मुझे पता है, चलो हम सब मार्बल रन खेलते हैं। मुझे मार्बल रन पसंद है। लेकिन मैं जीतने वाला था। मेरा पिंक मार्बल जीत रहा है। मुझे पता है, चलो हम पैक द पैरेट खेलते हैं। ठीक है, मुझे पैक द पैरेट पसंद है। लेकिन मेरा मार्बल जीत रहा है। ये उछलने वाला है, मैं नहीं देख सकती। ठीक है, चलो फिर से स्नैप खेलते हैं। सांप सीढ़ी। पेपा और उसके दोस्तों को गेम्स बदलना पसंद है और उनको गेम्स बदलना इतना पसंद है कि वो भूल गए कि आखिर जीत कौन रहा है। मुझे लगता है कि हम सब जीते। अरे रे, मुझे लगता है कि नए खेल का समय है, मतलब साफ सफाई। आज क्रूज रुका हुआ है एक टापू पर, इसलिए पेपा और ग्रैनी पिग निकले हैं सर्फिंग करने। लेकिन लहरें हैं ही नहीं। सारी लहरें कहाँ चली गई? ऐसा लगता है आज सर्फिंग के लिए पानी में उतनी लहरें नहीं है पेपा। अगर आप चाहें तो आप सीपिया इकट्ठा करने में मेरी और जॉर्ज की मदद कर सकती हैं। चमकीला। हेलो एवरीवन। मेरे पास एक छोटी सी पैडल बोट है, आजमाना चाहोगी पेपा? पेपा पैडल बोट को आजमाने के लिए काफी उत्साहित है। हाँ क्यों नहीं। और ग्रैनी पिग मेरे साथ जेट स्की पर राइड कर सकती है। लेकिन ग्रैनी पिग को नहीं लग रहा है कि मिस रैबिट की जेट स्की पर उन्हें मजा आएगा। पेपा और ग्रैनी पिग ने अपनी सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट्स और हेलमेट्स पहन लिए हैं। अब वो पानी में राइड करने के लिए तैयार है। पेपा की पैडल बोट चलाने के लिए पेडल्स दिए गए हैं। तुम सही कर रही हो पेपा, नाव को आगे ले जाने के लिए पेडल को आगे की तरफ घुमाओ। क्या ये थी? चलो, चलो। 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 मेरे लिए रुको। क्या तुम्हें कोई रंग बिरंगी सीपिया मिली है जॉर्ज? ये वाली तो बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया। जॉर्ज को समंदर के तट पर काफी सीपिया मिल रही है। इन सीपियो से तस्वीर बनाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? पेपा को पानी में खूब मजा आ रहा है। लेकिन ग्रैनी पिग को समंदर में डर सा लग रहा है। जॉर्ज ने सीपियों से डायनासोर बनाया है। डायनासोर। तुम तो बड़े बुद्धिमान हो। अब आँख बनाने के लिए बस एक खास सीपी की जरूरत है। चमकीला। क्या बात है जॉर्ज। मिस रैबिट की लहर से जॉर्ज की सीपियाँ बहकर फिर से समंदर में चली गई। लेकिन देखो, तुम
तुम्हारी खास चमकदार सीपी अब भी यही है। चमकीला। वाह, मुझे रेत वाली डायनासोर की पिक्चर अच्छी लगी जॉर्ज। जॉर्ज की सीपियों से रेत में डायनासोर का आकार बन गया है। डायनासोर। पेपा को बीच पर मजे करना अच्छा लगता है। सभी को बीच पर मजे करना अच्छा। समंदर के किनारे एडवेंचर के लिए कौन कौन तैयार है? पेपा और उसकी फैमिली आज के दिन बाहर जा रहे हैं। अरे रे, मुझे लगता है कि मैं कार में पेट्रोल डालना भूल गई। कोई बात नहीं, चलो बीच पर ट्रेन से चलते हैं। पेपा और उसकी फैमिली समंदर के किनारे जाने के लिए ट्रेन ले रहे हैं। टिकट दिखाइए। हम समंदर के किनारे जा रहे हैं और मम्मी कार में पेट्रोल डलवाना भूल गई। कितना रोमांचक है, मुझे समंदर का किनारा पसंद है। मुझे लगता है कि लंच का समय हो गया है। पापा, चलो खाने के डिब्बे की ओर चले। डैडी पिग और पापा ट्रेन में खाने वाले डिब्बे तक जा रहे हैं। ट्रेन काफी हिलडुल रही है। ये डिब्बा उन यात्रियों के लिए है जो सोना चाहते हैं। ये डिब्बा जरूर उन लोगों के लिए होगा जो ट्रेन में खेलना चाहते हैं। वाह, हाय डैनी, हाय जेरल। ये शायद सिनेमा वाला डिब्बा होना चाहिए। माफ कीजिएगा। पेपा और डैडी पिग को खाने वाला डिब्बा मिल गया है। ये जरूर उन लोगों का डिब्बा है जो लंच करना चाहते हैं। क्या ये गड़गड़ाहट आपके पेट में हो रही है डैडी? मुझे अफसोस है कि ट्रेन खराब हो गई है। अरे रे, अब हमें बस लेनी होगी। अब पेपा की फैमिली समंदर के किनारे जाने के लिए बस पकड़ने का इंतजार कर रही है। सब चढ़ जाएं। अगला स्टॉप समंदर का किनारा। बस खराब हो गई है। मुझे लगता है फिर से कोई पेट्रोल डलवाना भूल गया। अब हम समंदर के किनारे कैसे जाएंगे? क्यों ना हम पैदल चलें? समंदर का किनारा बस पहाड़ी के नीचे ही है। ये समंदर के किनारे की सबसे अच्छी ट्रिप थी। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम घर वापस कैसे जाएंगे। पेपा और उसका परिवार बेबी अलेक्जेंडर को चरखी वाले बड़े से झूले पर ले जा रहे हैं, पर वो ज्यादा खुश नहीं लग रहा। ये बदबू कैसी है? ये तो बेबी अलेक्जेंडर से आ रही है, इसकी नैपी बदलनी होगी। पर हम तो चरखी झूले के लाइन में सबसे आगे पहुंच चुके हैं। सब अपनी नाक बंद कर लो। इस चरखी झूले में कितनी बदबू है। सॉरी पेपा, पर बेबी अलेक्जेंडर की देखभाल करना हमारा काम है। अगर हम अब मदद करेंगे तो बाद में खेल सकते हैं। हाँ, बेबी अलेक्जेंडर को हमारी मदद चाहिए। ये हुई ना बात, अब चलते हैं और नैपी बदलने के लिए जगह ढूंढते हैं। वहाँ ठीक रहेगा। यहाँ नहीं। यहाँ नहीं। अरे रे, यहाँ तो बिल्कुल नहीं।
पाश पेपा, हमें नापी बदलने की जगह मिल गई है। सबसे पहले हमें खराब नापी हटानी होगी और उसे कचरे के डिब्बे में डालना होगा। कचरे का डिब्बा कहाँ है? ओह, ये रहा डैडी। ऐसा करने के बाद हमें अपने हाथ जरूर धोने चाहिए। थोड़ी सी क्रीम लगानी चाहिए। ओह, सॉरी पेपा, हो ही गई। आखिर साफ सुथरी नैपी। डैडी, मैं भी थोड़ा सा करके देखूं। बिल्कुल पेपा। अरे वाह, अब बढ़िया है। ये कितना मजेदार था। मैंने पहले कभी नापी नहीं बदली थी। तुमने बहुत अच्छे से बदली है पेपा। लेकिन क्या तुम जानती हो कि नापी बदलने से भी ज्यादा मजेदार क्या है? चरखी वाला झूला। आज पेपा और उसका परिवार बतख के तालाब की ओर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में लोहे का एक बैरियर है। माफ करना दोस्तों, रास्ता बंद है। लेकिन हम लगभग तालाब तक पहुँच ही गए हैं। मुझे डर है यहाँ काफी फिसलन होगी। चमकीले लाल एरो वाले डाइवर्जन साइंस को देखकर चलते जाएं। आप जल्दी पहुँच जाओगे। डाइवर्जन का मतलब है कि आपको दूसरे रास्ते पर से जाना है। चलो सब चले। जल्दी मिलेंगे बत्तख। ये रहा। पेपा को पहला चमकीला लाल एरो मिल गया है और एक और मिला। और एक और मिला। लेकिन आगे वाला निशान तो नीचे गिरा है। उठ जाओ श्रीमान निशान। किसी को नहीं पता कौन से रास्ते पर जाना है। हम दाएं जाएं या बाएं? लगता है दाएं तरफ जाना ही ठीक है। क्या हम खो गए हैं? हाँ, हम खो ही नहीं हैं। हम बस ये नहीं जानते कि हम कहाँ पर हैं। जब आप नहीं जानते कि आप कहाँ हैं, तो आप शायद खो चुके होते हैं। देखो बतख। हेलो बतख। माफ कीजिए श्रीमती बतख, क्या आप जानती हैं बतख का तालाब कहाँ है? क्या खूब किस्मत की बात है। रास्ता दिखाइए बतख। ये बतख वाली पगडंडी है डैडी। हम सबको बतखों की तरह चलना होगा। हम बतख के तालाब जा रहे हैं हिल डुल के, और हम बतख देखने जा रहे हैं क्वैक क्वैक क्वैक। हम बतख के तालाब जा रहे हैं। आखिर पेपा और उसका परिवार बतखों के तालाब तक पहुँच ही गए। हमने कर दिखाया। आप समय से आ ही गए। मुझे यकीन है कि डाइवर्शन से होकर आने में आप खुश होंगे। हाँ, ये बहुत मजेदार था। और काफी कम फिसलन वाला। आज पेपा और उसके दोस्त वाटर पार्क में हैं। हेलो बच्चों। हेलो मिस्टर रैबिट। आप लोग स्विमिंग जाओ, इसके पहले मैं आपको कुछ जरूरी नियम सिखाना चाहूंगी। मिस रैबिट सभी को स्विमिंग पूल में सुरक्षित रहने के तरीके बता रही है। पहला नियम है कोई छींटाकशी नहीं। छींटाकशी ना करें मिस्टर बोल। ओह सॉरी पेपा, सॉरी मिस रैबिट। कोई बात नहीं मिस्टर बोल।
दूसरा नियम है कोई दौड़ा भागी नहीं। बुरी बात मिस्टर बुल, दौड़ा भागी नहीं। फिर से सॉरी। मिस्टर बुल को कोई भी नियम नहीं पता। और आखिरी नियम है सभी शानदार समय बिताएं। आपका समय शानदार बीते मिस्टर बुल। सही कहा पापा। पूल के मजे लो बच्चों। हम सबसे पहले क्या करें? चलो वाटर स्लाइड्स पे चलते हैं। हुरे! सभी वाटर स्लाइड राइड के लिए काफी जोश में है। हेलो फिर से, कौन स्लाइड से नीचे जाना चाहता है? मैं। तुम लकी हो, हर एक के लिए एक एक स्लाइड है। चलो रेस करते हैं। बढ़िया आइडिया, लकी हो कि मैं झंडा लाई हूँ। ऑन योर मार्क गेट सेट गो। और डैनी डॉग सबसे आगे, साथ साथ है पेपा, उसके बाद जिरल जिराफ और सूजी शीप पीछे आती हुई। कोई भी जीत सकता है वाटर स्लाइड रेसिंग अपने बेहतरीन पड़ाव पर। हेलो ग्रैनी। हेलो मिस्टर बॉय। वो करीब करीब फिनिश लाइन पर है। ये कांटे की टक्कर है, कौन करेगा टॉप? ये टाई हो गई, सभी जीत गए। पेपा और उसके दोस्तों को स्लाइड बहुत पसंद आई, लेकिन वाटर पार्क का पहला नियम वो भूल गए हैं। पेपा और रेबेका रैबिट आज तकिए का महल बना रहे हैं। ध्यान से, महल को गिरा मत देना। गिरने ही वाला था, संभाल लिया, बच गया। हमने कर लिया, अब हमें इसे अंदर से सजाना होगा। कुछ तो कमी है। ओह, कुछ खाने के लिए। मम्मी। तकिए का महल कितना सुंदर लग रहा है। क्या हमें खाने के लिए कुछ मिलेगा? बिल्कुल, अब भी आई, कहीं मत जाना। चलो ऐसा सोचते हैं कि तकिए का महल अंदर से बहुत बड़ा है। पकड़ो पेपा। चलो अब यूं ही ऐसा सोचते हैं कि ये कितना उछालता है, जैसे कोई ट्रैम्पोलिन। आहा, ये कितना उछालता है। अरे नहीं, ओ गेंद उछलकर वहाँ चली गई। चलो हम भी उसके पीछे जाते हैं। ये फ्लोर हरा है, तो चलो ऐसा सोचते हैं कि ये दलदल जैसा है। लेकिन गेंद तो यहाँ नहीं है, शायद वहाँ हो। ये कमरा नीला है, तो चलो सोचते हैं कि यहाँ ठंड है। ये रही गेंद। वाह, चलो यहाँ से चलते हैं। हम कौन से रास्ते से आए थे? पेपा, तुम कहाँ हो? हम तकी के महल में खो गए हैं। मैं आकर तुम्हें ढूंढती हूँ। नहीं मम्मी, महल बड़े लोगों के लिए नहीं बना है। ओह, मैं किसी भी चीज में फिट हो सकती हूँ। मम्मी पिग हंस गई है। मम्मी, आपके हिलने डुलने से महल टूट रहा है। सॉरी। इन सब
सब चीजों को यूं ही सोचते हुए मुझे तो और भूख लग गई। अच्छा हुआ मैं खाने के लिए कुछ लाई हूँ। ओह आप बस हमें से तकिए के नीचे खोजना है। हेलो मैं हूँ राजा पेपा। आज प्ले ग्रुप का एक नया दिन है और सभी ऐसा नाटक कर रहे हैं कि पेपा एक राजा है। मैं राजा हूँ और मैं कहती हूँ कि सभी को स्वादिष्ट खाना खाना चाहिए। बेशक मेरे महाराज। राजा पेपा प्ले ग्रुप का राजा होने के मजे ले रही है। उसे स्वादिष्ट खाना वाकई पसंद आ रहा है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ थोड़ी सी किशमिश महाराज। ओ शुक्रिया कैंडी, मुझे किशमिश बहुत पसंद है। लेकिन मेरा पेट काफी भर गया है। क्या मैं राजा बन सकता हूँ अगर आप थक गई हो राजा पेपा? अच्छा आइडिया है, ये लो राजा पेड्रो। अब पेड्रो पोनी प्ले ग्रुप का राजा है। मैं कहता हूँ कि सब लोग कुछ लो। ऐसा क्यों महाराज? क्योंकि उछलने में मजा आता है। राजा पेड्रो ने सही कहा, उछलने में मजा आता है। बहुत अच्छा उछल रहे हो डैनी। शुक्रिया राजा पेड्रो। हॉप हॉप। किंग पेड्रो आपने कहा था कि सबको उछलना है, मतलब आपको भी। ओ सही कहा। क्या तुम अब राजा बनना चाहती हो कैंडी? हाँ बिल्कुल। आप कैंडी राजा है। मैं कहती हूँ कि सबको एकदम शांत रहना चाहिए। हाँ अब सभी को बोलना है जोर से। हर कोई राजा कैंडी और राजा डैनी के नियमों के भरपूर मजे ले रहा है। शांति से, जोर से। अब जॉर्ज राजा है। डायनासोर। राजा जॉर्ज कहते हैं कि सभी को डायनासोर जैसी चीजें करनी चाहिए। सभी को प्ले ग्रुप का राजा बनना पसंद आता है, लेकिन सभी को डायनासोर बनना सबसे ज्यादा पसंद आता है। पेपा और सूजी पुलिस ऑफिसर्स बनने का नाटक कर रहे हैं। पुलिस हम आपकी मदद करेंगे। शुक्रिया पुलिस ऑफिसर्स। आपका स्वागत है। अब हमें अपराधों को सुलझाने के लिए वापस आना होगा। अरे ये क्या है मैडम गजेल? मुझे लगता है मेरा खास पेन कहीं खो गया है। ये तो रहस्य जैसा लगता है। परेशान ना हो, मैं और पुलिस ऑफिसर सूजी इस केस को सुलझाएंगे। पेपा और सूजी खास पेन तलाशने के लिए सुराग ढूंढ रहे हैं। वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे छोटी छोटी चीजें बड़ी दिखती है। आहा, बैंगनी। वो बिल्कुल ऐसा ही रंग है जैसा डैनी डॉग की टी शर्ट है। क्या तुमने उस खास पेन को देखा है डैनी? लगता तो नहीं मैंने देखा है। ठीक है, बेहतर होगा कि हम आपको पुलिस स्टेशन ले जाकर कुछ सवाल पूछें। पेपा और सूजी ने एक नकली पुलिस स्टेशन बनाया है ताकि वो सभी से लापता पेन के बारे में सवाल पूछ सके। ये किताबों और तकियों से बना है। इस पुलिस स्टेशन में तो दरवाजे भी नहीं हैं, लेकिन पढ़ने के लिए ये जगह बढ़िया है। पेपा और सूजी सभी से खास पेन के बारे में पूछ रहे हैं।
वो कैंडी कैट को नकली पुलिस स्टेशन ले आए हैं। कैंडी कैट, क्या तुम याद करके बता सकती हो कि वो खास पेन किस रंग का है? लाल नहीं, हरा। दरअसल गुलाबी नहीं, नीला। हाँ, तुम तो बड़ी मददगार हो। चलो चारों तरफ बारीकी से देखें। मैडम गजेल का खास नीला पेन यही कहीं होना चाहिए। पेपा और सूजी शीप खास पेन को हर जगह तलाश रहे हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिल रही है। जी तो वो यहाँ कहीं नहीं मिला। मेरे पास एक आइडिया है। अब मैडम गजेल नकली पुलिस स्टेशन में सवालों का जवाब दे रही है। आपने अपने पेन को आखिरी बार कब देखा था मैडम गजेल? देखो, बात ऐसी है, आज सुबह मैंने पेन इस्तेमाल किया था, फिर मैंने उसे अपने कान के पीछे लगा लिया। अरे, मैडम गजेल का खास पेन उन्हीं के कान के पीछे रखा हुआ था। हमने इसे ढूंढ लिया, हमने राज सुलझा लिया। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया पेपा और सूजी। मुझे लगता है कि तुम दोनों बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर बनोगे। पेपा और उसके दोस्त सीसो पर खेलने जा रहे हैं। रुको! क्या कोई परेशानी है मिस्टर बुल? बस सीसो की मरम्मत कर रहा था डैडी पिग। लो, अब ये बिल्कुल सुरक्षित है और इस्तेमाल के लिए तैयार है। पेपा को सीसो पर खेलना बेहद पसंद है। क्या आप मेरे साथ खेलेंगे मिस्टर बुल? मजा आएगा। मैं? क्यों नहीं, आखिरकार ये ठीक हो गया है और तैयार है। वाह, मजा आ गया। लेकिन अब तुम नीचे कैसे उतरोगी? आपको ऊपर जाना होगा ताकि पापा नीचे आ सके। ओह, ऐसे? मिस्टर बुल सीसो पर नीचे की साइड फंस गए हैं। मिस्टर बुल बड़े हैं और पेपा छोटी सी है, इसलिए सीसो बैलेंस नहीं हो पाएगा। पेपा की तरफ से कुछ भारी चीज होनी चाहिए। क्या बात है, तुम्हें ये कैसे पता? मैं समझदार हूँ। चलो ठीक है। पेपा की बैकपैक से उसका वजन बढ़ जाएगा। ऊपर 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 ऊपर। हम बादलों की तरह ऊंचे हो गए हैं। मिस्टर बुल अभी भी फंसे हुए हैं सीसो की नीचे की साइड पर। मुझे लगता है नीचे रहने में भी बहुत मजा है। कितना शानदार नजारा है घास का। हमें एक बड़े की जरूरत है मिस्टर बुल के साथ खेलने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि हमें एक और बड़ा व्यक्ति कहाँ मिलेगा। आप बड़े हैं डैडी। अरे हाँ, मैं तो हूँ। मैं आपके साथ खेलूंगा मिस्टर बुल। डैडी पिग और मिस्टर बुल दोनों ही बड़े हैं, जिसकी वजह से सीसो बैलेंस हो गया है और ऊपर और नीचे जा रहा है। रुको! क्या आपको मजा नहीं आ रहा मिस्टर बुल? मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, मैं तो बस नजारा देखना चाहता था। ओकी डोकी, चलो चलते हैं ऊपर आसमान में। हेलो सूरज, हेलो घास, हेलो बादल, हेलो पेपा। हेलो। पेपा और उसकी फैमिली कार में बाहर जा रही है, पर उन्हें थोड़ी मुश्किल आ रही है। अरे बाप रे, कार स्टार्ट ही नहीं हो रही। आपकी गाड़ी बिगड़ गई है। परेशान ना हो, मैं आपको गैरेज ले जाऊंगा। मैं यूं गया और यूं आया। मिस्टर बुल कार को ठीक करवाने के लिए उसे खींच कर ले जा रहे हैं। जॉर्ज और पेपा को खींचा जाना पसंद है। अरे रे, समझ गया।
सुनिए, हम इसे ठीक कर सकते हैं। ओ, अच्छा। पर हमें नया पुर्जा मंगवाना पड़ेगा और ये काम ना ही आसान है ना ही सस्ता। अरे रे, इसमें कितना समय लगेगा? जितना टाइम लगना है उतना तो लगेगा ही। लेकिन मैं काम पर कैसे जाऊं? जब तक आपकी गाड़ी ठीक हो रही है आप कोई भी गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए मेरे साथ, गैरेज में काफी एक्स्ट्रा कार्स हैं। अपनी मनपसंद चुन लीजिए। ओह, एक मोटर बाइक, ये तो बेहतरीन है। चलो इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। डैडी पिग को मोटर बाइक चलाना अच्छा लगता है। हेलो। लेकिन मोटर बाइक पर आप बारिश में भीग जाते हैं। शायद हमें कोई और जबरदस्त चीज चाहिए। चलिए इसे आजमाते हैं। पेपा को एक मॉन्स्टर ट्रक मिला है जो बहुत जबरदस्त है। मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर ट्रक हमारी जरूरत से कुछ ज्यादा ही जबरदस्त चीज है। माफ कीजिएगा, किसी अच्छी और बड़ी चीज के बारे में क्या ख्याल है? जैसे बस। मम्मी पिग को बस बहुत पसंद है। ये बस कितनी बड़ी है और कितनी शांति है यहाँ। अरे रे, लेकिन सभी को लगता है कि ये असली बस है। पेपा और उसकी फैमिली के पास अब एक ही कार बची है ट्राई करने के लिए। इससे बदबू आ रही है क्योंकि ये मेरी रिसाइकल इकट्ठा करने वाली लॉरी है। माफ कीजिएगा, आप इसे नहीं ले जा सकते। मुझे नहीं लगता कि हमें हमारी कार की तरह कोई बेहतरीन कार मिल पाएगी। आप तो लकी हो, आपने नई कार चुनने में इतना समय लगाया कि हमने आपकी पुरानी कार को ही ठीक कर दिया। शुक्रिया मिस्टर बुल, शुक्रिया ग्रैंडडैड डॉग। पेपा की फैमिली को अलग अलग कार चलाना अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें अपनी फैमिली कार चलाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। डिनर का समय हो गया है, लेकिन डिनर जल गया है। अरे बाप रे, क्या हम अभी भी इसे खा सकते हैं? मुझे लगता है कि हमें टेक अवे से खुद को दावत देनी चाहिए। हम चुनते हैं कि हमें कैसा खाना पसंद है और ये हमारे घर तक डिलीवर किया जाता है। यहाँ चाइनीज टेक अवे है, इंडियन टेक अवे है और सुशी है। क्या हम इसे मंगवा सकते हैं? पेपा चाइनीज टेक अवे ऑर्डर करना चाहती है। चलो ये ले और ये, और भूलना नहीं वो खास सरप्राइज। पेपा और उसकी फैमिली ने खूब सारा जायकेदार खाना ऑर्डर किया है। अब क्या होगा? वैसे पहले रेस्टोरेंट को खाना बनाना पड़ता है और फिर वो उसे डिलीवर करते हैं। ओह, लेकिन वो कैसे जानेंगे कि हम कहाँ रहते हैं? जब हमने टेक अवे ऑर्डर कर दिया तब मैंने उन्हें अपना पता दिया था। लेकिन ये यहाँ कैसे पहुँचेगा? मिस रैबिट इसे अपनी बाइक पर लाएंगी। ओह देखो, वो बस पहुँचने वाली है। चलते हैं और उन्हें ढूंढते हैं। पेपा और जॉर्ज गलत दरवाजे पर चले गए हैं। ये रहा तुम्हारा टेक अवे पेपा, उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगेगा। शुक्रिया। मैं चलती हूँ, बहुत सारा खाना डिलीवर कर दूँगा। चावल, नूडल्स, वेजिटेबल रोल्स, और उसके बाद मिलेगा एक खास सरप्राइज। पेपा और जॉर्ज नहीं जानते कि ये खास सरप्राइज क्या है। मुझे चावल बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मुझे अपने मसालेदार नूडल्स पसंद है, ये मेरे फेवरेट है। वो मेरे पसंदीदा भी हो सकते हैं। क्या मैं थोड़ी सी ट्राई कर सकती हूँ? पर पहले थोड़ा सा लेना। मुझे नूडल्स बहुत पसंद है। लेकिन वो थोड़ी से तीखे लग रहे हैं। पेपा को मसालेदार नूडल्स ज्यादा पसंद नहीं आए। ये लो, वेजिटेबल स्प्रिंग रोल ट्राई करो। वेजिटेबल स्प्रिंग रोल मेरे पसंदीदा है।
पेपा और उसकी फैमिली ने अपना चाइनीज टेक अवे खत्म कर लिया है। क्या अब तुम खास सरप्राइज के लिए तैयार हो? अरे इन्हें कहते हैं फॉर्च्यून कुकीज। इनके अंदर होता है गुड लक लाने वाला एक खास मैसेज। इस गुड लक का स्वाद लाजवाब है। पेपा को चाइनीज टेक अवे बहुत पसंद है। सभी को चाइनीज टेक अवे बहुत पसंद है। पेपा और उसके दोस्त सिनेमा देखने जाते हैं। उन्होंने अभी अभी वेजिटेबल्स इन स्पेस 2 नाम की फिल्म देखी है। परेशान मत हो पेड्रो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। सभी ने फिल्म के इतने मजे लिए कि अब वो नाटक कर रहे हैं जैसे वो खुद इसमें हो। क्या तुम मेरे घर पर स्पेस में सब्जियां खेलना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं? सभी खेल के लिए तैयार होने को लेकर काफी जोश में हैं। पेड्रो पोनी अंतरिक्ष यात्री बना है। सूजी शीप रोबोट बनी है। जेरल्ड जिराफ एलियन बना है। और पेपा स्पेस हीरो बनी है। चलो बाहर चलते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हम चांद पर हैं। अरे वाह! मेरे पीछे आओ। प्यू प्यू। पेपा और उसके दोस्त फिल्म की तरह ही चांद पर होने की कल्पना कर रहे हैं। सभी को चांद पर तैरने का नाटक करने में बहुत मजा आता है। बढ़िया आइडिया जेरल। हम ड्राइव करने के लिए रॉकेट कार्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे रे, सभी के लिए रॉकेट कार्स तो नहीं है। क्या तुम मेरी कार में चलना चाहोगी सूजी? बस बस। ओ सूजी अपने जूतों को रॉकेट बूट्स जैसा दिखाने का नाटक कर रही है। अब सभी चांद को मजेदार तरीके से जान सकते हैं। हम क्या ढूंढ रहे हैं चांद पर? पीप, यहाँ चांद पर एक ही चीज है, चांद। पीप, चांद बना है चीज से। तो लंच के लिए थोड़ा चीज ढूंढ ले। हाँ बिल्कुल। वो क्या था? ये क्या था? चांद का दानव? नहीं पापा, मैं हूँ तुम्हारा डैडी। और मैं तुम सब के लिए लंच में चीज सैंडविचेस लाया हूँ। चांद पर खेलने की कल्पना करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन हर किसी को लंच टाइम और भी ज्यादा अच्छा लगता है। बस बस। आज पेपा को उस समय का वीडियो मिला है जब वो छोटी बच्ची थी। मैं बहुत शोर शराबा करने वाली बच्ची थी, है ना डैडी? हाँ, कभी कभी सारे बच्चे ऐसा करते हैं। ये तब का होगा जब मैं प्रेग्नेंट थी और जॉर्ज पेट में था। प्रेग्नेंट? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये उस समय मेरे पेट में था। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। क्या कर रही हो पेपा? देखिए, अब मेरे पेट में भी एक बेबी है। बहुत अच्छे पेपा। अब जिनके पेट में बेबी होता है वो लोग क्या करते हैं? मुझे खूब सारी मजेदार इच्छाएं होती थी, जो तब होती है जब आप वाकई कुछ खास खाना चाहते हैं। वाह, पेपा भी मजेदार इच्छाएं दिखाने का फैसला करती है। मैं भी वाकई खाना चाहती हूँ स्पेगेटी। पेपा को लगता है कि खाने की इच्छाएं तो जायकेदार है। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। जब आपके पेट में बेबी था तो और क्या क्या होता था मम्मी?
वैसे मैं काफी थक जाती थी तो भले लोग मुझे अपनी सीट ऑफर करते थे ताकि मैं जरूरत पड़ने पर बैठ सकूं। हेलो पापा। मेरे पेट में एक बेबी है और मैं बहुत थक गई हूँ, तो आपको मुझे अपनी कुर्सी देनी होगी प्लीज डैडी। अच्छा ये लो। और जब कभी मेरे पैरों में दर्द होता था तो डैडी पिग मेरे पैरों की मालिश करते थे। पापा को पैर की मालिश का आइडिया अच्छा लगा। डैडी मेरे पैर में दर्द है तो मुझे पैर की मालिश करवानी है प्लीज। ओह अच्छा ये लो अभी करता हूँ। डैडी पिग की पैर की मालिश मालिश कम और गुदगुदी ज्यादा लगती है। ओ, वैसे एक और चीज हुई थी जब मम्मी पिग प्रेग्नेंट थी। वो क्या थी? आखिरकार नन्हा सा बेबी आया। आंटी पिग बेबी अलेक्जेंडर के साथ मिलने आई है। हाय बेबी अलेक्जेंडर, मैं ऐसा नाटक कर रही थी कि मेरे पेट में बेबी है। अब हम ऐसे दिखाएंगे जैसे वो बेबी तुम हो। वैसे असली बेबीज काफी शोर करते हैं, तो मुझे लगता है मैं इसकी जगह कुशन रख लेती हूँ। आज पेपा के प्लेग्रुप में पैनकेक डे मनाया जा रहा है। ये एक आइसक्रीम है। क्या हम और तस्वीरों वाले पैनकेक बना सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, हमें बस चाहिए थोड़ा और पैनकेक मिक्स। पेपा एक कटोरे में आटा डालती है। कैंडी कैट उसमें एक अंडा डालती है। डैनी डॉग दूध डालता है और सूजी शीप सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाती है। मैडम गजेल पैनकेक मिक्स में फूड कलरिंग डालती है ताकि वे रंग बिरंगी तस्वीरों वाली पैनकेक बना सके। पैनकेक को पकाने से पहले हम पैन में अपने पसंद की कोई भी पैनकेक तस्वीर बना सकते हैं। क्या तुम थोड़ा गुलाबी रंग डाल सकती हो सूजी? और थोड़ा यहाँ भी। वाव! ये क्या है? आप क्या बना रही है मैडम गजेल? जल्द पता चलेगा। अब पैन बहुत गर्म हो जाएगा इसलिए आपको थोड़ा सा पीछे हटना होगा बच्चों। वाओ, पेपा! पैनकेक बिल्कुल पेपा जैसा दिखता है। मैं हूँ पेपा पैनकेक। और मैं बहुत स्वादिष्ट हूँ। क्या हम अगली चीज रेनबो बना सकते हैं? हाँ बेशक। पेपा और उसके दोस्त रेनबो के सारे रंग डालते हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला। नहीं, मैंने रेनबो पैनकेक को खराब कर दिया। बिल्कुल नहीं, तुमने नीले रंग से प्यारा सा आसमान बना दिया है। चलो बनाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पैनकेक। अरे वाह! बेकिंग पाउडर देगा हमें एक फुला हुआ पैनकेक, बस थोड़ा सा चाहिए। मैडम गजेल ने कुछ ज्यादा ही बेकिंग पाउडर डाल दिया। पैनकेक बड़ा होते ही जा रहा है। मुझे नहीं लगता हम इसे खा सकते हैं बच्चों। पर ये तो शानदार ट्रैम्पोलिन बन गया है। पेपा को पैनकेक डे पसंद आता है। सभी को पैनकेक डे पसंद आता है। पेपा और सूजी पुलिस ऑफिसर्स बनने का नाटक कर रहे हैं। मदद करेंगे। शुक्रिया पुलिस ऑफिसर्स। आपका स्वागत है।
अब हमें अपराधों को सुलझाने के लिए वापस आना होगा। अरे ये क्या है मैडम गजेल? मुझे लगता है मेरा खास पेन कहीं खो गया है। ये तो रहस्य जैसा लगता है। परेशान ना हो, मैं और पुलिस ऑफिसर सूजी इस केस को सुलझाएंगे। पेपा और सूजी खास पेन तलाशने के लिए सुराग ढूंढ रहे हैं। वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे छोटी छोटी चीजें बड़ी दिखती है। आहा, बैंगनी। वो बिल्कुल ऐसा ही रंग है जैसा डैनी डॉग की टी शर्ट है। क्या तुमने उस खास पेन को देखा है डैनी? लगता तो नहीं, मैंने देखा है। ठीक है, बेहतर होगा कि हम आपको पुलिस स्टेशन ले जाकर कुछ सवाल पूछे। पेपा और सूजी ने एक नकली पुलिस स्टेशन बनाया है ताकि वो सभी से लापता पेन के बारे में सवाल पूछ सके। ये किताबों और तकियों से बना है। इस पुलिस स्टेशन में तो दरवाजे भी नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए ये जगह बढ़िया है। पेपा और सूजी सभी से खास पेन के बारे में पूछ रहे हैं। वो कैंडी कैट को नकली पुलिस स्टेशन ले आए हैं। कैंडी कैट, क्या तुम याद करके बता सकती हो कि वो खास पेन किस रंग का है? लाल नहीं, हरा। दरअसल गुलाबी नहीं, नीला। हाँ, तुम तो बड़ी मददगार हो। चलो चारों तरफ बारीकी से देखे। मैडम गजेल का खास नीला पेन यही कहीं होना चाहिए। पेपा और सूजी शीप खास पेन को हर जगह तलाश रहे हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिल रही है। मुझे तो वो यहाँ कहीं नहीं मिला। मेरे पास एक आइडिया है। अब मैडम गजेल नकली पुलिस स्टेशन में सवालों का जवाब दे रही है। आपने अपने पेन को आखिरी बार कब देखा था मैडम गजेल? देखो, बात ऐसी है, आज सुबह मैंने पेन इस्तेमाल किया था, फिर मैंने उसे अपने कान के पीछे लगा लिया। अरे मैडम गजेल का खास पेन उन्हीं के कान के पीछे रखा हुआ था। हमने इसे ढूंढ लिया। हमने राज सुलझा लिया। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया पेपा और सूजी। मुझे लगता है कि तुम दोनों बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर बनोगे। पेपा और उसकी फैमिली सिनेमा घर में फिल्म देख रहे हैं। मम्मी, मुझे टॉयलेट जाना होगा। ठीक है पेपा, एक बाहर ही है, वहाँ चलते हैं। सुनो, पेपा और मैं टॉयलेट होकर आते हैं। टॉयलेट, बढ़िया आइडिया है। अरे, टॉयलेट तो सफाई के लिए बंद किया गया है। लेकिन मुझे जल्दी जाना है। सड़क के उस पार एक पब्लिक टॉयलेट है, सारे मेरे पीछे पीछे आओ। डाइनोसॉर। पेपा और उसकी फैमिली को टॉयलेट मिल गया है। ये रहा टॉयलेट पेपा, कतार में खड़ी हो जाओ। माफ कीजिए, कतार यहाँ से नहीं शुरू होती है, वहाँ से। लेकिन टॉयलेट के लिए कतार बहुत बहुत लंबी है। मुझे नहीं लगता मैं इतनी देर रुक पाऊंगी। सुपरमार्केट में एक टॉयलेट है, चलो वहाँ देखते हैं। पेपा, मम्मी पिग, डैडी पिग और जॉर्ज हर जगह टॉयलेट की तलाश करते हैं। वे सुपरमार्केट में ट्राई करते हैं। वे जू में भी ट्राई करते हैं। सॉरी पेपा, ये टॉयलेट खराब है। यहाँ तक कि वे टॉयलेट शॉप भी ट्राई करते हैं। सॉरी, लेकिन ये सभी टॉयलेट सिर्फ देखने के लिए ही है। यहाँ कहीं भी कोई टॉयलेट नहीं है। अरे रे,
अब मुझे भी टॉयलेट जाना है। मुझे भी। देखो सिनेमा घर का टॉयलेट फिर से खुल गया। वाह! आखिरकार पेपा और उसकी फैमिली फिल्म देखने वापस आ गए। डायनासोर। लेकिन अब फिल्म खत्म हो गई है। ऐसा लगता है कि हमें ये शुरू से देखनी होगी। अब भी बता दो, किसी को टॉयलेट जाना है?